हेलो एवरीवन, ये है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स का सेकेंड पार्ट। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर को मैंने कवर किया है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन वीडियोज़ में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस ही कवर कर रही हूँ। आपको अगर कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वहाँ पे जाकर आप एक बार इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीडियोस को देखकर समझ लो, उसके बाद इन वीडियोस को देखना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलते हैं इस वाली वीडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना बताऊँगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिप्रेजेंट 3/5 ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लो। जब भी हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो दो तरह की फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे मैं रैशनल नंबर ही बोलूँगी, दो तरह के रैशनल नंबर होते हैं। एक तो होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर वो जिसका न्यूमरेटर छोटा है, जैसे अभी ये वाला दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल 3/5, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 1/2, 3/7, 5/11। देखो, सब में ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो ये सब तो हुए प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं बात करूँ इम्प्रॉपर की, तो ये हो जाता है 7/3, 8/5, 2/1 कर देते हैं, चलो ठीक है, या माइनस आ गया, कुछ भी, माइनस में भी हो सकता है, ये भी माइनस में हो सकता है, राइट। तो कहने का मतलब है, न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, जब भी हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत काम आता है। अगर तो आपको रिप्रेजेंट करना है किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर रैशनल नंबर को, जैसे 3/5, तो ऐसे नंबर्स प्रॉपर जो हैं हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेंगे। आप इनको डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर 0 पॉइंट कुछ ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, राइट। तो 0 और 1 के बीच में ही बनेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आंसर आ सकता है इनका, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 40 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ज़रूरी नहीं है 0 और 1 के बीच में बने, ऐसा नहीं है, ये 0 और 1 के बीच में बनता है। तो जैसे ही आपने देखा कि नंबर लाइन पे बनाने के लिए 3/5 यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, तो आप फटाफट से एक लाइन बनाओ, एक साइड लगाओ 0 मार्क करो, एक साइड लगाओ 1 का मार्क, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 3/5 को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना, उसको देखकर आपको ये पता लग जाना चाहिए कि मुझे इस 0 और 1 के बीच में कितने हिस्से बनाने हैं, कितने पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पे है 5, तो मुझे पता है इस 0 और 1 के बीच में मुझे 5 बराबर हिस्से करने हैं, ठीक है। तो आप तो स्केल से कर लेना, मैं अभी आपको बस समझाने के लिए कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स हमने बना दिए। अब बहुत ही ईजी है, ऊपर वाला नंबर बताएगा कौन से पार्ट को मार्क करना है। तो यहाँ 0 से शुरू करो, 1, 2 एंड 3, देखो 1, 2, तीसरा हिस्सा यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 3/5, राइट। तो 0, 1 के बीच में कितने हिस्से बनाने हैं वो डिनोमिनेटर से पता चला, 5 हिस्से बना दिए, और कौन से वाले को मार्क करना है वो न्यूमरेटर से पता चला, 3rd वाले पार्ट को मार्क कर दिया, 3/5, ये आंसर है, ठीक है। एक और इसी तरह का ले लेते हैं, जैसे माइनस दिया हुआ है आपको 7/9, राइट। ये भी देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है, फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन देखते ही आपको 0 बनाना है और 1 बनाना है, राइट। 9 बता रहा है मुझे कि मैं 9 हिस्से करूं इस लाइन के, 0 और 1 के बीच में 9 बराबर हिस्से करूं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेट्स से बराबर है, ठीक है, मैंने अभी अंदाजे से किया है, 9 हिस्से हो गए। मार्क किसको करना है, 7 वाले को। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये -7 है, तो 0 के जब हम इस साइड जाते हैं ना, तो ये पॉजिटिव जा रहा है, इस साइड करोगे तो ये पॉजिटिव नंबर है। नंबर लाइन में 0 के इस तरफ नेगेटिव होता है, तो जब भी आपको नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन मार्क करना हो तो 0 के इस साइड मार्क करना है, ठीक है।
फिर वही नौ हिस्से बनाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, जो भी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, बराबर नहीं हुए बट आप इक्वल रखना, स्केल से करना वन वन सेंटीमीटर्स, और फिर जीरो बना के नौ हिस्से बनाए और फिर माइनस वन लास्ट वाले को लिख दिया, ठीक है। तो ये पार्ट्स हो गए, माइनस सेवन को मार्क करोगे तो जीरो से काउंट करोगे माइनस सेवन, यानी सेवन तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये वाला है माइनस सेवन अपॉन नाइन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो कैसे मार्क करोगे। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट सेवन अपॉन फोर ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपने देखा यार ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस केस में क्या करोगे, आप डायरेक्टली आपको नंबर लाइन ही ड्रॉ करनी, सबसे पहले इसका इसको डिवाइड करके इसका आंसर देख लो। तो सेवन अपॉन फोर को जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं डिवाइड करती हूँ सेवन को फोर से, तो सेवन वन इज फोर, वन इज़ फोर, थ्री बच गया, पॉइंट लगाया ज़ीरो, फोर ये आता है सेवन ज़ा ट्वेंटी एट, देन टू, फिर फाइव ज़ीरो लगाया एंड फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी, डन। तो मेरे पास 1.75 आंसर आया, ये आपको चेक करना है। आप 1.7 पर भी रुक सकते थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस देखना है ये पॉइंट में क्या आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है। इससे क्या पता चलेगा वो समझो, इससे ये पता चलेगा कि नंबर लाइन पर मैं क्या बनाऊंगी, इस साइड और इस साइड लिखूंगी क्या, यानी ये जो नंबर 7 अपॉन 4 मुझे रिप्रेजेंट करना है ये किसके बीच में करना है। तो यहाँ पे मुझे पता चला 1.75 है, यानी ये जो नंबर है ये 1 के बाद है, यानी यहाँ कहीं 1 होगा और ये 2, 1 और 2 के बीच में है 1.75, तो 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप 1 पॉइंट आपको जैसे ही मिल गया वहाँ पे भी रुक सकते हो, आपको ये पता चल गया कि इसको 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब अगर मैं 7 अपॉन 4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, ध्यान से समझना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूँ, जब हमने इसको डिवाइड किया था तो ये देखो इसके आगे नहीं बढ़ते हम, जीरो नहीं लगा रहे, इसको हटा दो, तो ये 4 से डिवाइड हुआ, 7 आया, 3 आया रिमाइंडर में, ठीक है, ये रिमाइंडर था, 3 बच गया। अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, 1 3 अपॉन 4, राइट। तो 4 1 4 5 6 7 7 अपॉन 4 हो गया, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इससे मुझे पता चल रहा है 1 से 3/4 बड़ा है, आगे है, ज़्यादा है, राइट। तो 1 और 2 के बीच में मार्क करना है मुझे, इस 1 से पता चला, ठीक। 3 अपॉन 4 अब बस मार्क करना है, 1 पे तो मैं पहुँच ही गई हूँ, 1 पॉइंट के नंबर लाइन में 1 पॉइंट पे तो आई गए हैं, 3 अपॉन 4 और मार्क करना है। तो फिर वही चीज़, 4 से डिनोमिनेटर वाले नंबर से हमें पता चलेगा कितने हिस्से करने हैं। अब तो 1 और 2 के बीच में 4 हिस्से बना दो बराबर बराबर, और ऊपर वाले नंबर से, न्यूमरेटर वाले नंबर से हमें पता चलेगा कौन से नंबर को कौन से पॉइंट पे मार्क करना है, तो थर्ड पॉइंट पे मार्क करना है, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 3 अपॉन 4, या तो ऐसे लिख लो या 7 अपॉन 4 लिख लो, एक ही बात है, या 1.75 लिख दो किसी भी फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन और अपना डेसिमल, कैसे भी लिख सकते हो, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इससे रिलेटेड। इसमें हमें -12/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैंने देखा यार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। तो 12 और 5 को आप डिवाइड करोगे, 5 2 10 और 2 बच गया। मिक्स फ्रैक्शन में मैं कैसे लिखूंगी, 2 2/5, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियोज़ देख लो, ये कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ मैंने सारी बनाई हुई एकदम बेसिक से, कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन बनाते हो, कैसे डिवीजन करना है, ये सब ऑलरेडी है। मैंने इसीलिए बनाया कि जब मैं हायर क्लासेस तक पहुँचूँ तो मैं रिकमेंड कर सकूँ, बता सकूँ कि यार ये नहीं पता कॉन्सेप्ट तो ये वाली वीडियो देख लो। तो इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक 6th लेवल में भी बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल को थोड़ा स्क्रोल करेंगे और पीछे बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखेंगे तो बहुत बेसिक से शुरू है वो, जहाँ से कोई भी मैथ्स को अगर पढ़ना शुरू करना चाहे तो स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब अपने हिसाब से आप वीडियोस देखकर सीख सकते हो, जो जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, राइट। तो रिप्रेजेंट करना है हमें ये नंबर लाइन पे, तो ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन मुझे क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि 2 2/5 का मतलब है 2 के बाद, 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 2/5 बड़ा है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जो मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी वो 2 और 3 की करूँगी, इससे नेक्स्ट, क्योंकि 2 2/5 जो है वो किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा,
ठीक है। अब ये मार्क करने से पहले मुझे ये देखना है कि यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे नहीं कर देना आप मार्क, आपको क्या करना है, माइनस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है, उल्टी मीन्स इस साइड नंबर लाइन जाएगी, तो टू इधर आएगा और थ्री इधर आएगा, माइनस टू एंड माइनस थ्री के बीच में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब देखो ये फ्रैक्शन देखना है आपको, मिक्स्ड वाला, ये वाला नहीं देखना है। टू और थ्री के बीच में तो पता चल गया मुझे कहाँ किसके बीच में मार्क करना है, वो इस नंबर से पता चल गया। ये जो डिनोमिनेटर में फाइव है मुझे बताएगा मैं कितने हिस्से करूँ यहाँ पे, तो फाइव इक्वल पार्ट्स मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव, पाँच एक दो तीन चार पाँच इक्वल हिस्से कर दिए। ऊपर वाला नंबर बताएगा कौन से वाले नंबर को मार्क करना है। अब मार्किंग माइनस में इधर से शुरू करोगे रीड करना, तो वन एंड टू इस हिस्से को मार्क करना, तो दिस वुड बी टू टू बाय फाइव, माइनस टू टू बाय फाइव, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हो, इससे अच्छा है माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव लिखना, ठीक है। आई होप आपको नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर के और क्वेश्चंस देखते हैं, और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इवैल्यूएट करना है इसको, तो ये पावर में आ गया, माइनस फोर अपॉन फाइव की पावर है आपके पास थ्री, यानी क्यूब पावर है। इसका मतलब क्या होता है, माइनस फोर अपॉन फाइव तीन बार मल्टीप्लाई करना है आपको, तो तीनों बार ऐसे मल्टीप्लाई करो, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक फिर भी बचेगा, तो माइनस लगाया और फोर इंटू फोर इंटू फोर, फोर का क्यूब आपको पता होना चाहिए, इट इज़ 64। फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, सॉरी फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, फाइव को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 125। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह एक्सप्रेस इन पावर ऑफ रैशनल नंबर, इसी का उल्टा करना है, इसको रैशनल नंबर की पावर में एक्सप्रेस करना है। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है एक्सपोनेंट्स का है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कुछ, क्योंकि दोनों चैप्टर्स जो हैं थोड़े से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कवर कराए हैं बेसिक चीज़ें। 27 अपॉन 64, 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 64 को ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब और ये हो जाएगा आपका 4 का क्यूब, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 अपॉन 4 का होल क्यूब, ठीक है। पावर की फॉर्म में आ गया ना ये। आगे बढ़ते हैं, माइनस एट अपॉन 27, 8 को हम लिख सकते हैं माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू तीन बार, 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, सो माइनस टू तीन बार है और 3 तीन बार है, तो इसकी कंबाइंड पावर हो गई 3, कॉमन पावर, ये आपका आंसर है।